ये भी हम भाई ये जो पानीपत खटीमा मार्ग है इस पे है, ये देख सको आप सीधा रास्ता जो जा रहा खटीमा की तरफ, इधर रास्ता जो जा रहा यू पानीपत की तरफ जा रहा रास्ता। और पहले भी हमने एक वीडियो बनाई इस पे, जब यहाँ हमने तो आपसे दिखाया बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ हुए, 3 एक्सीडेंट एक एक दिन में हुए और 2-3 यहाँ एक्सीडेंट में हरियाणा के थे जो उनके डेथ भी हो गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं है भाई, किसी ने कौन लेना देना ही नहीं, कोई मरो कोई जियो, सब ने एक वोट चाह 5 साल में अपना, फिर कोई किसी का फांसी टूट जाओ कोई मतलब नहीं। ये देखो यहाँ डिवाइडर लग रहे, ये जिन पर बैठा डिवाइडर है, ये जो रास्ता इधर तैयार भी दिखाऊंगा, देखो आप तय भी कारनामा भी दिखा दे, गाड़ी आने गई उधर तो गाड़ी आ रही, ये देखो ध्यान से देखियो इधर से महिंद्रा वालों की, उधर से भी हुआ महिंद्रा वालों की, ए यू देखो रुकी, और इस तरह के डेली हो यहाँ डेली बिल्कुल, ये भी दोनों खड़े रह गए वहाँ, दिखा तरह भाई देख वहाँ दिखा देख देख दोनों रुकी, ये भी दूसरी जागी उसने रुकना पड़ेगा, और कई बार इतनी तेजी तमें लोग यहाँ ने इतनी तेजी तमें यहाँ वाहन कि कह नहीं सकते कुछ भी, इधर ने जाएगा मतलब यू मेन हाईवे चालू हो गया है जो इधर की तरफ से रे टकराने का इतना खतरा है यहाँ डेली, देखो ए वाई गाड़ी ये देखो अल्टो आई इब दूसरी आई इब देखियो ध्यान तो देखियो, मतलब डेली का डेली खतरा है यहाँ, ट्रक जो चल रहे वो तो चल ही रहे, शासन का प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इब आप तो एक चीज़ और दिखा रहा गाजा भाई वहाँ दिखाओगे, ए इधर से जो आवेंगे यहाँ दिखाओ, ये देखो उधर से जो गाड़ी आवेगी उधर दिखाओ, ए उधर से जो गाड़ी आ रही उधर घूमेगी, इधर से आने का खतरा, अब आगे चलो वो दिखाता हूँ आपसे आगे, जो सामने वाला जो हाईवे है ये तो आपने देख लिया, यहाँ तो खतरा है ही है आगे भी खतरा है, एक खतरा और दिखाऊंगा वहाँ तो इससे भी ज़्यादा डबल तिबल चुबल जितनी बार भी कह ले उतना खतरा कम है, एक जहाँ गड्ढा जो होगा एक बार अटका उस गड्ढे में नूनी में रोल्डी बजरपुर सीमेंट सरिया जो भी भरा जाता हो, तार कोल पार कोर मट्टी मटोड़ रोडा ट्रोडा कुछ भर ले, ये देख लो ये जुगो तो है यू 1 साल तक टूट रहा है, इसकी हालत ख़राब होगी लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है, ये देख लो यहाँ आगे दिखाऊंगा भैया और चलो, ये जंप बना दिए थे आज लोग इन पर ध्यान नहीं दिया गया, ट्रॉली वाले इतने परेशान नहीं जंप बनाए, आगे दिखाऊंगा बड़े बड़े जो मेन जो जगह है एक्सीडेंट की वो दिखाऊंगा आपते, चलो भाई तावड़े तावड़े चल पड़ो, मतलब ऐसी हालत है किसी का ध्यान ही नहीं देता ना, ध्यान देना किसी ने भी, ये नेशनल हाईवे है 709B और इस पे कोई भी व्यक्ति जितने भी लोग यहाँ है रे जय रे किसी का कोई ध्यान नहीं है, खासकर जो उच्च वर्ग है जो एजुकेटेड वर्ग है भाई देख लो, ये भी उधर से दिखाओ, ये जो उधर से है रहा ये देखो ये उधर से नेशनल हाईवे है, यहाँ का भी बड़वा गेट हुआ करता था अब जो रोड के कारण उसको हटा दिया गया है, और ये भी दिखाऊंगा आपसे एक्सीडेंट का खतरा कितना ज़बरदस्त है, आप भी नहीं कहोगे देख कर हाँ भाई तो वाकई में ही मौत का घर ही हो रहा, चलो भाई भी देखियो, मतलब ध्यान किस लिए नहीं है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये देख लो भाई 7U जो है पानीपत खटीमा वारक मार गए जो उधर से रहा इधर, और इधर दिखाऊंगा जो एक तो जो इधर से रहे लोग शामली की तरफ से रहे में आने होते आवेंगे इस रोड पर ना, यहाँ एक है ये यहाँ एक है सीधे मिल गए, दूसरा इधर से देख गाड़ी आ रही है जल्दी दिखा भाई गाड़ी आती है एक बार, ये गाड़ी आ रही एक ये देखो दूसरी गाड़ी यहाँ से आवेगी, ये देखो यहाँ से जो गाड़ी इधर से आ रही इधर से जो वाहन आवेगा इधर जाएगा, इधर से आवेगा जो वाहन वो टकराएगा, और सबसे बड़ी दिक्कत है इधर वालों की जो बड़वे से आवेंगे बड़वे की तरफ से आवेंगे, एक खतरा पहला यू दूसरा खतरा यू जो गाड़ी आ रही है देखो ये गाड़ी दोनों टकरा सके यहाँ, अब जिसने आगे बारे में पता अगर इधर से गाड़ी आने में ठुक सके तो जो बाइक आ सके उसने पता मैं तो बचेंगे जान, ये देख लो ये गाड़ी टकराने के नाम का तैयार कर रखा आयु, डिजाइन देखो इनके जो उनसे डिजाइनर है सिविल इंजीनियर है जिस भाई ने डिजाइन करा आयु रोड उसने थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लेता तो एक्सीडेंट नहीं होते, पहले गोल चक्कर बना देता है यहाँ सिख, लेकिन नहीं दिमाग है नहीं अपना पीसा चाह रोड बनाए गए रे आमण मित्र रोड बनाए गए रे रोड ही रोड है देहरादून तय दिल्ली का रोड
और भाई पानीपत का रोड, करनाल का रोड, 2 ही घंटे का सफ़र कर दिया सारी जगह का, और आदमी भी 2 ही मिनट में ख़त्म। 2 घंटे का सफ़र, आदमी भी 2 मिनट में ख़त्म। ये बड़वा गुजरान गांव है, इधर पहले यहाँ गेट हुआ करता था, गांव वालों ने जान के ट्रोली मार मार के ही तोड़ना पड़ा ताकि आता जाता वाहन दिख जा। अब जो वाहन इधर से आ रहा, दिखाओ भाई इधर से जो वाहन है रे, इधर से जो वाहन है रे ये, और इधर गांव वाले की तरफ से जो भी आ जाएगा वो टकराव होगा ही टकराव होगा। तीसरा जो इधर से आएगा, अभी दिखाऊंगा आपसे थोड़ा सा नज़ारा ही दिखेगा जब तो संजमा होगा। ये देख लो, अब जो वाहन इधर से शामली की तरफ से है रे, एक तो यू पॉइंट हो गया यहाँ, ये देखो जहाँ आया मैं बताऊँगा, ये जो गाड़ी आएगी यू पॉइंट होगा एक, दूसरा पॉइंट होगा यू दो, तीसरा पॉइंट होगा यू, और चौथा पॉइंट होगा यू जो बड़वे की तरफ से आऊँगा। ये देखो बड़वे की तरफ से गाड़ी आ रही, ये गाड़ी देखो बड़वे की तरफ से आ रही, और एकदम से इधर से भी उधर से भी गाड़ी आ रही है। देखो ये गाड़ी आ रही है, ये उधर से भी गाड़ी आ गई, ये देखो अब तो ये तो निकल गई क्योंकि इन्होंने ध्यान दे लिया, उधर से गाड़ी आ रही है। देखो ये जो सामने से जो गाड़ी आ रही है, ये देखो ये देख यहाँ निकलेगा पहल का यू बचने का रास्ता, ये जैसे गाड़ी आई हरियाणा की, अब यहाँ से देखो टकराने का है। चाचा हो जाना, कई फेरी एक्सीडेंट हो गए जी। हाँ जी, कई फेरी हो गए आप वहाँ तो बड़वे थे कहीं पर होली होंगे लगभग, कई फेरी हो गए तो जब से लग गए यहाँ जान बच गई, यहाँ आई नहीं पैरा ड्राइवर ने, पता नहीं कुकर लिखे उ यहाँ अंदाजा कुछ नहीं है। देख कुकर हो रहा जी यहाँ, ये देखो भाई देखो भैया ये बस आनगरी या प्राइवेट बस है, और नहीं गया था ऊपर तो गाड़ी आ रही। देखो ये बताओ टकरावेंगे नहीं, ये भी दिखाऊंगा लाइव डैम हो ही तो ए जैसे यहाँ तो मतलब दूसरे तीसरे दिन बड बड हो ही जा, ये जैसे भाई चल दिया लेगा अपने ये गाड़ी, देख लो ये देखो उधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी गाड़ी आ रही, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये देख लो, ये देखो ये देखो यहाँ तक नहीं गा, चाचा नहीं गा बोलेगा जी तो मेरी गेल तो भी चल दे। ये देख लो भाई, देखो मतलब हर जगह का है यू, अभी इस मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये हालात बनाए क्यों गए। ये देखो ट्रक आने रहे, दोनों ट्रक दिखाओ भाई, देखो ये दोनों ट्रक है रे, ये देखो इन्हें मंदा कर लिया जान बच गई, उधर वाली गाड़ी का नाम का कोई रास्ता नहीं है। ये भी जो भाई इंजीनियर था वो, ये देखो कि कटकराने तो बच रही, ये देखो दो बता कौन बचा देगा इन्हें भाई, इन्ना मरना उन्ना कौन रोक देगा। ये देख लो ये काम जुड़ी तो रहा नहीं है, दिखा भाई नहीं वाला दिखा, दोनों डबके दिखा, मतलब कैमरा मैन की समझ में नहीं आ रहा कि करूँ कैमरा, ये समझ लो जब मैं ही खड़े हो गए आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा और की क्या हालत होगी। तो भाई जो हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे, मेरे सामने लगभग 4-5 एक्सीडेंट हो लिए, हमने उनकी छूट छटा करवाई, मगर भाई कोई बात नहीं हो जा रहे आपस में, तो भाई थोड़ा ध्यान दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहले भी आप बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, तो आप सभी से निवेदन है जो भी भाई 709B से चल रहे और पानीपत खटीमा मार्ग से होते हुए जा रहे दिल्ली की तरफ, तो थोड़ा सा ध्यान दें, अगर एक बार भी एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, जिसका घर में एक दिक्कत हो, एक आधा कमान उखाण वाला हो, अगर दिक्कत होगी तो सबने दिक्कत होगी। खैर हमारा फर्ज आपसे सच दिखाने का और हम सच दिखाते रहेंगे, आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा काम है दिखाना और हम बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर दिखा रहे हैं। आप सबका सपोर्ट हमारे लिए अनिवार्य है। गांव गुआंड को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और जुड़ रहे हैं गांव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।